दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुणभूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में दो मैजिस्ट्रेट होता है, एक तो टाउन मैजिस्ट्रेट और दूसरा जो है डीसी कुछ मैजिस्ट्रेट होता है। और यह भी सुना होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3, 4 या 2 MLAs होता है, और यह भी सुना होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन ऐसे पहली बार सुना होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डेप्यूटी कमिश्नर हो। दोस्तों दरअसल हम जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के बात कर रहे हैं। अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये देख रहे हैं कि लोअर सुबनसिरी में 2 डीसी है। 2 डीसी जहां पर लोअर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर जीरो में जो है 2 स्कॉर्पियो पार्किंग करते हुए दिखाया जाता है, उसमें जो है डीसी का नेम प्लेट है। दरअसल ये जो है इशू जो है तब शुरू होता है 27 को सरकार की तरफ से एक ऑर्डर कॉपी जारी होता है। उस ऑर्डर कॉपी में बहुत सारे ऑफिसर का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग को लेकर के नोटिस जारी किया गया था, जिसमें लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के डीसी एस लवांग को डीसी लोअर सुबनसिरी से ट्रांसफर करते हुए आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर के रूप में उसको ट्रांसफर किया गया था। और आपको यह भी बता दूं, यहां का जो है बामिन निमे है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जो ऑफिसर है उनको जो है लोअर सुबनसिरी डीसी के लिए पोस्टिंग करता है। ये विवाद तब से शुरू होता है और इस खबर को सुनते ही 27 को नोटिफिकेशन ऑर्डर को देखते ही 28 को ही इसका रिएक्शन आने लग जाता है। 28 को याचुली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पंचायत लीडर ने एक रिप्रेजेंटेशन अपने मंत्री यानी एमएलए तबा तेदर को सौंपता है और उनमें यह लिखा होता है कि एस लवांग को डीसी लोअर सुबनसिरी से ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही 28 को एक गांव बुरी एसोसिएशन याचुली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ग्रुप जो है फिर रिप्रेजेंटेशन अपने एमएलए यानी तबा तेदर को सौंपता है, उसमें भी लिखा होता है कि एस लवांग को डीसी के तौर पर ही जीरो में रहने दिया जाना चाहिए। तब से ये शुरू होता है। इसका खबर यानी अरुणभूमि को शिकायत मिलते ही अरुणभूमि 1 तारीख को जीरो पहुंचता है। वहां से आप लोगों को हमने रियलिटी को भी हमने बताया है और सरकार का क्या नॉर्म्स होता है, किसी डीसी को ऑफिसर को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का क्या नॉर्म्स होता है, इसको भी हमने आप सभी को पिछले जो न्यूज था उसमें आप लोगों को हमने बताया था। और उसी 1 तारीख के समय ही बामिन निमे जो कि जिसको नया डीसी चुना गया था वो जो है डीसी ऑफिस में जा करके अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है। और अभी ये खबर मिल रहा है कि आज 3 तारीख है, 3 तारीख में ये खबर मिल रहा है कि डीसी ऑफिस जो कि जीरो में लोकेटेड है उसमें जो है दोनों डीसी का जो है स्कॉर्पियो जो है पार्किंग करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 6 दिन से इसका मतलब ये है कि लोअर सुबनसिरी जो है बिना डीसी के काम चल रहा है। आप समझ के देखिए कि लोअर सुबनसिरी में जो लोग हैं जो दिन भर जो है पीआरसी बनता है, एसटी बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, लैंड अलॉटमेंट बनता है, एलपीसी बनता है, उसमें हर जगह में डीसी का जो है फॉरवर्डिंग जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि पिछले 6 दिनों से जो है लोअर सुबनसिरी में बिना डीसी के काम चल रहा है। यहां ये बात साफ नजर आ जाता है कि वहां के जनता को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डीसी, जैसे कि आप पुतेज में देख रहे हैं 2 डीसी होना, ये कहां तक संभव है? ये सरकार की तरफ से नाकाम हुआ है या फिर जो चीफ सेक्रेटरी है उनके तरफ से नाकाम हुआ है? क्योंकि जहां पर डीसी को नियुक्त किया जाता है उसमें जो बहुत सारे काम होता है डीसी का, लेकिन जीरो में आप पिछले 6 दिन से ये समझ सकते हैं कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बिना डीसी का काम चल रहा है, जिसमें पब्लिक को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ता है। अब देखना ये होगा कि 2 जो स्कॉर्पियो जो डीसी का जो नेम प्लेट लगाकर जो पार्किंग है इसको जो है सरकार की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहां तक ले जाता है और ये जो है समस्या जो है कब सुलझता है, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों अब देखते रहिए अरुणभूमि, बने रहिए अरुणभूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।